डोईवाला में एरोसिटी व इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने के मुद्दे पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार की डोईवाला में टाउनशिप आदि को लेकर ना कोई मंशा थी और ना ही इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है। विपक्ष जबरदस्ती भ्रम फैला रहा है। भाजपा जिला महामंत्री राजेंद्र सिंह तड़ियाल के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर महामंत्री तड़ियाल ने कहा कि डोईवाला में एरोसिटी व इंटीग्रेटेड टाउनशिप आदि को लेकर तमाम भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जिसमें विपक्ष अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, जबकि इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। वहीं इस मौके पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि सरकार डोईवाला के लोगों के साथ इस तरह के कोई भी निर्णय सरकार स्थानीय लोगों को भरोसे में लिए बगैर नहीं करेगी। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि डोईवाला में एरोसिटी व इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने की सरकार की कोई योजना नहीं है और ना ही इस संबंध में सरकार की ओर से कोई निर्णय लिया गया है। मेरा ये मानना है कि डोईवाला के किसी भी मामले में यहाँ के हित में तो मैं खड़ा हो सकता हूँ, यहाँ का किसी भी मामले अहित होगा तो मैं उसके लिए कभी खड़ा नहीं हो सकता। और वैसे भी हमारी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय धामी जी की सरकार, किसान हितैषी सरकार है, मजदूर हितैषी सरकार है, जन हितैषी सरकार है। ऐसे में जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि मैं ये कहने को भी तैयार हूँ कि भ्रम फैलाने वालों को शायद ये भी पता है सच्चाई नहीं है ये जो फैला रहे हैं, लेकिन उनका कौन सा हित है, कौन सा हित वो साध रहे हैं मैं नहीं जानता। लेकिन मैं उनको भी कहना चाह रहा हूँ, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि भ्रम में न रहें। यदि मैं सरकार के एक हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ, एक मंत्री की हैसियत से बात कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर अपना विषय रखा है और लिखित में भी बयान जारी हुआ है, उसके बाद यदि भरोसा नहीं कर रहे हैं तो मैं एक ही विषय रख सकता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश है और ये कुप्रयास है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।